لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وفديناه بذبح عظيم صلوات بھیجتے ہیں محمد والے محمد جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل ایک خلیل اللہ ہیں دوسرے ذبیح اللہ ہیں جناب ابراہیم نے خواب دیکھا کہ جیسے وہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں خواب سے جب بیدار ہوئے تو بیٹے سے یعنی جناب اسماعیل سے ذکر کیا کہ بیٹا میں نے آج ایسا خواب دیکھا ہے جناب اسماعیل نے عرض کی بابا جو کچھ آپ نے دیکھا ہے اسے آپ انجام دیجئے نبی خدا کو رسول خدا کو جو اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے اس کے تین طریقے ہوتے ہیں ایک تو ڈائریکٹ وحی آتی ہے کہ جہاں سامنے خود فرشتہ الہی سامنے ہوتا ہے اللہ کی طرف سے آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ یہ انجام دیجئے دوسرا طریقہ الہام کا ہوتا ہے الہام یعنی خود نبی خدا رسول خدا یہ محسوس کرتا ہے کہ اسے یہ حکم دیا جا رہا ہے ایک کیفیت جیسے کہ اندر سے کوئی کہہ رہا ہو آواز دے رہا اندر سے آواز دے رہا ہو کہ تم یہ کام کرو تم آگے بڑھو تم یہ کہو تیسرا طریقہ جو ہوتا ہے خواب کا ہوتا ہے خواب ہمارے اور آپ کے جو خواب ہوتے ہیں اس کا کوئی معیار نہیں ہے لیکن جو معصوم کا خواب ہوتا ہے خود معصوم کا خواب تو دور کی بات اگر کسی نے معصوم کو بھی خواب میں دیکھا ہے تو بھی یہ سچا خواب ہوتا ہے کیونکہ معصوم کی صورت میں شیطان نہیں آ سکتا جس طریقے سے اگر کسی نے معصوم کو دیکھا تو یہ سچا ہے اسی طریقے سے معصوم اگر کسی خواب میں کچھ دیکھے تو بھی سچا ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے جو کبھی کبھی حکم جو ملتا ہے وہ خواب کے ذریعے سے ملتا ہے جناب ابراہیم کو بھی یہاں جو حکم دیا گیا وہ خواب کے ذریعے سے دیا گیا
ये ख्वाब ख्वाब नहीं था बल्कि हुक्म खुदा था। और इसे जनाब इस्माइल भी जानते थे कि ये बाबा का खाली ख्वाब नहीं है कि हाँ वो सोए और सोने में ऐसा ख्वाब देख लिया और बस उन्होंने बयान कर दिया और जनाब इस्माइल तैयार हो गए कि हाँ हाँ जो कुछ आपने ख्वाब में देखा है कर लीजिए। नहीं, जनाब इब्राहिम भी हुक्म खुदा के तौर पर जनाब इस्माइल से जिक्र कर रहे हैं और जनाब इस्माइल भी हुक्म खुदा के तौर पर कबूल कर रहे हैं कि बाबा आपने जो देखा है उसे अंजाम दीजिए। यकीनन ये मरहला बड़ा सख्त था खुद जनाब इब्राहिम के लिए भी और जनाब इस्माइल के लिए भी, और इन दोनों से ज्यादा सख्त था जनाब हाजरा के लिए। जनाब इब्राहिम काफी सिन रसीदा हो गए थे और उस सिन रसीदा होने के बाद, एक मुद्दत गुजरने के बाद, एक उम्र आने के बाद फिर कहीं जनाब इस्माइल की विलादत हुई थी। हमारे आम तौर से कहा जाता है बड़ी मन्नतों मुरादों वाला बच्चा है, तो जनाब इस्माइल ऐसे ही मन्नतों मुरादों वाले थे कि जब जनाब इब्राहिम बुढ़ापे की मंजिल में पहुंच गए थे तब जनाब इस्माइल दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, और जब नौजवानी की मंजिल में आए जनाब इस्माइल अब हुक्म हो रहा है कि छुरी चलाओ। कितना सख्त है। अच्छा, अभी जिस वक्त ये हुक्म मिला है जनाब इब्राहिम को कि आप बेटे के गले पे खंजर रखिए, ज़बह कीजिए इसको, जनाब इब्राहिम और जनाब इस्माइल में आपस में गुफ्तगू हुई और दोनों पूरे साजो सामान के साथ घर से निकले, लेकिन जनाब हाजरा को इत्तला नहीं दी, जनाब हाजरा को खबर नहीं की। कुरान मजीद में भी इसका तस्करा है। ईद की नमाज में जो खुतबा पढ़ा जाता है पहले खुतबे में भी इसका बयान है। जब जनाब इब्राहिम जनाब इस्माइल को मीना के मैदान में लेकर आए और जनाब इब्राहिम ने चाहा कि छुरी रखें, यकीनन जाहिर सी बात है कि बेटा है ये बाप है, इतना आसान नहीं था, लिहाजा कुछ मुकदमात थे कि जो तय किए हैं, कुछ मुकदमात हैं, कुछ वसीयतें थीं, कुछ बातें थीं जो जनाब इस्माइल ने जनाब इब्राहिम से की हैं और कुछ बातें ऐसी थीं कि जो जनाब इब्राहिम ने इस्माइल से कही हैं। तफसीर में मिलता है कि जनाब इब्राहिम ने जनाब इस्माइल के हाथों पैरों को बांध दिया था। बाज रवायतों में है कि खुद इसकी फरमाइश जनाब इस्माइल ने खुद की थी कि बाबा आप मेरे हाथों को और पैरों को बांध दीजिए इसलिए कि मैं बेटा हूं और आप बाप हैं, जब आप छुरी चलाएंगे तो बहरहाल एक इंसानी फितरत है, बेकरार होगा, तड़पेगा, मचलेगा, उछलेगा, जिस तरीके से कैसे आप जब दुम्बे के ऊपर छुरी चलाते हैं तो कैसे वो पकड़ लेते हैं उसको, बड़ा जानवर होता है उसके रस्सी से पैर बांध देते हैं, उसके चेहरे के ऊपर, उसके सर के ऊपर जोर देते हैं ताकि उठने ना पाए, हिलने ना पाए, फिर भी वो हिलता है, कांपता है, लरसता है, उछलता है। लिहाजा जनाब इस्माइल ने खुद जनाब इब्राहिम से कहा था कि बाबा आप हाथों पैरों को बांध दीजिए ताकि आप बाप हैं, हम बेटे हैं, इंसानी फितरत है, छुरी चलेगी तो बेकरार होगा, अगर हम तड़पें तो मेरा तड़पना आपके लिए नागवारी का सबब न बने और कहीं ऐसा ना हो कि हुक्म खुदा में देर हो जाए, हुक्म खुदा के अदा करने में देर हो जाए, कहीं आपको तड़पता देखें और फिर छुरी हटा लें, कहीं बेकरार होता हुआ देखें और फिर छुरी रुक जाए, लिहाजा हुक्म खुदा में कहीं से रुकावट ना आने पाए, इस वजह से आप हाथों पैरों को बांध दीजिए।
दूसरे ये कि आंखों पे पट्टी बांध लीजिए। अब यहां के ऊपर भी है, बाज रवायतों में है कि जनाबे इस्माइल के आंखों पे पट्टी बांधी, बाज रवायतों में कि नहीं जनाबे इब्राहिम ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी, जबकि यही ज्यादा मुनासिब लगता है क्योंकि जनाब इब्राहिम खुद देख रहे हैं, लिहाजा जनाब इब्राहिम ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी ताकि बच्चे को तड़पता देखकर हुक्म इलाही के अदा करने में देर ना हो, देर ना हो। उसके बाद जनाब इस्माइल ने कुछ वसीयतें की और वो वसीयतें घर के लिए थी कि बाबा आप जाहिर सी बात है कि यहां से आप इस तरीके से जाएंगे, बेटे को कुर्बान करके जाएंगे, नौजवान बेटा है, मन्नतों मुरादों वाला बेटा है, मेरी मां का तो कोई और है भी नहीं और वो भी अकेली मां, लिहाजा क्या होगा, लिहाजा आप पहले मां को खबर न कीजिएगा, पहले आप पड़ोस की औरतों को बता दीजिएगा, क्योंकि ये उस वक्त की बात है कि जब मक्के में औस और खजरत जैसे कबीले आबाद हो चुके थे, ये उस वक्त की बात है। वो अब जमाना नहीं था कि जहां कुरान ने कहा वाद गैर अजी जरा, न वहां तो आबादी थी और न कोई सब्जा था। अब जनाब हाजरा और जनाब इस्माइल को तकरीबन 13-14 साल यही हो गए हैं। बाज़ रवायतों के लिहाज से जनाब इस्माइल की जो उम्र लिखी है उस वक्त, जब वक्त ज़बह किया है यानी खंजर रखा है, जिस वक्त ये इम्तिहान दिया है, तो 14 साल। तो जाहिर से बात है कि 14 साल गुजर चुके हैं, 13-14 साल, अच्छी खासी आबादी हो चुकी थी यहाँ के ऊपर मक्के में। लिहाजा जनाब इस्माइल कहते हैं कि बाबा आप देखिए आज जाइएगा लेकिन अम्मा के पास आप जाते ही खबर ना कर दीजिएगा, लिहाजा पहले पड़ोस की औरतों को बताइएगा और जब औरतें जाके माँ को तसल्ली दे दें, दिलासा दे दें, थोड़ा संभाल लें, थोड़ा बहला लें, तब फिर आप बताइएगा पूरा वाकया। अब जनाब इस्माइल की वसीयतें तमाम हुई और जनाब इब्राहिम ने सारे मुकदमात तय किए, आंखों पर पट्टी बांधी, जनाब इस्माइल के हाथों और पैरों को बांधा और अब छुरी को रखा, छुरी को रखा। अब बाज तफसीरों में यह है कि नहीं, छुरी को रखा और फौरन दुम्बा आ गया और जनाब इस्माइल की जगह के ऊपर वो दुम्बा ज़बा हुआ। अब जो पट्टी खोली, देखा इस्माइल खड़े हैं और दुम्बा ज़बा हो गया। बाज रवायतों में यह है, तफसीरों में यह है कि जिस वक्त छुरी चला रहे थे जनाब इब्राहिम, तो छुरी चल ही नहीं रही थी, तेज करके लाए थे छुरी ताकि अल्लाह के हुक्म के अदा करने में कहीं से देरी ना हो, और ऐसी तेज छुरी छुरी वो चली नहीं, जना जैसे गले पे रख रहे हैं चला रहे हैं, वो चली नहीं रही। एक तरफ खलील है कि जो कह रहा है कि छुरी चल, और दूसरी तरफ रब जलील है कि जो कह रहा है छुरी मत चल, और छुरी भी रब जलील के हुक्म की पाबंद। लिहाजा जब छुरी नहीं चली तो अब तफसीरों में मिलता है कि जनाब इब्राहिम ने एक मरतबा छुरी को पटक दिया, छुरी को पटक दिया। जैसे ही छुरी पटका और आंखों से पट्टी खोली, देखा जनाब इस्माइल वहां खड़े हुए और दुम्बा, जनाब जिब्राइल लिए हुए हाजिर हैं। इब्राहिम गुस्सा ना करो, कद सद्दक्त रुया, तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। अल्लाह का मकसद इस्माइल को ज़बह करना नहीं था बल्कि अल्लाह का इरादा तुमको आजमाना था, तुम अपने वादे में पूरे उतरे। वफदैनाहु बिज़िबहिन अज़ीम, और हमने ज़िबह अज़ीम को इसका फ़िदिया करार दिया है। मैं कहूँगा इब्राहिम तुमने बेटे के गले पर छुरी रखते वक्त आंखों पर पट्टी बांध ली थी,
लेकिन आओ करबला के मैदान में जो ज़िब्ह अज़ीम है उसकी कुर्बानी देखो। तुमने इस्माइल के हाथ और पैरों को बांध दिया था ताकि बेकरार होते हुए देख न सको। तुमने अपने आंखों पर पट्टी बांध ली थी, लेकिन आओ इब्राहिम करबला के मैदान में। हुसैन ने आंखों पर पट्टी नहीं बांधी है, अली अकबर के हाथ और पैर बंधे हुए नहीं है। अजादारों, जिस वक्त बूढ़ा बाप जवान बेटे के सरहाने पहुंचा है तो आलम यह था कि अली अकबर बेकरारी के आलम में सीने पर हाथ रखे हुए एक आह खींच रहे थे और बूढ़ा बाप अपने कानों से उस आह को सुन रहा था, उस बेकरारी को देख रहा था। आवाज दी, मेरे लाल इतना बेकरार क्यों हो, ये सीने पर हाथ क्यों है? जनाब अली अकबर अर्ज करते, बाबा क्या अर्ज करूं, बाबा सीने में नज़क यानी टूट गई है, नज़क यानी टूट गई है। बस एक मर्तबा अजादारो इमाम ने आस्तीनों को उल्टा, आओ इब्राहिम देखो करबला के मैदान में कैसे फख्र इब्राहिम अपनी आस्तीनों को उलट के एक हाथ सीने अली अकबर पर रखा, एक हाथ जमीन करबला पर रखा और अब जो या अली कह के पर्ची का फल खींचा, पर्ची तो निकल आई लेकिन अली अकबर का दम निकल गया। बूढ़ा बाप जवान का लाशा, लाशा उठाता तो कैसे उठाता, लाश को उठाते थे रख देते थे, उठाते थे और रख देते थे, और जब लाशा ना उठा खैमे कर करके आवाज दिए, बनी हाशिम के बच्चों आओ, बूढ़े बाप से जवान का लाशा नहीं उठता, आओ जरा सा बूढ़े बाप को सहारा दे दो। बार ईद का मौका है, शब जुमा है, शब मगफरत और शब रहमत। माबूद हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, मुश्किलात को आसान फरमा, तमाम उमूर की इस्लाह फरमा। मोमिनीन जहाँ जहाँ भी आबाद है उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा, मकामात मुकद्दसा की हिफाजत फरमा, उलमा और मराजे की हिफाजत फरमा, इस्लाम दुश्मन ताकतों को जलील ख़्वार और नीस्त नाबूद फरमा। जो मोमिनीन बीमार हैं माबूद उन सबको शिफा अता फरमा, जो दुनिया से रुख्सत हो चुके हैं उनकी मगफरत फरमा। मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सब को इमाम के ग़ुलामों और उनके नासरों में शुमार फरमा। हम सब की तमाम दीनी और दुनियावी हाजतों को पूरा फरमा। व तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस्समीउल अलीम।